दुनिया के सबसे बड़े, सबसे ऊंचाई वाले और सबसे महंगे लंगर की क्या आपने कभी तस्वीरें देखी हैं? अमरनाथ यात्रा रूट पर यह लंगर लगता है और जिनके द्वारा ये लंगर लगाया जाता है उस कमेटी का नाम है श्री शिव सेवक दिल्ली वालों की। ये कमेटी है और जहां पर यह लगता है वो पॉइंट है पोषपत्री। पोषपत्री समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर है। अब लंगर में प्रवेश करने से पहले आप दर्शन कर लीजिए भगवान शंकर के, माता पार्वती जी के और गणेश जी के। अब आपको लेकर चलते हैं लंगर के अंदर। पहली नजर में आपको लग रहा होगा कि ये कोई लंगर नहीं बल्कि शादी समारोह है, लेकिन नहीं, ये लंगर ही है। आप एक एक करके सारी आइटम्स में आपको दिखाऊंगा। फिलहाल तो मैं सारी आपको दिखा भी नहीं सकता क्योंकि एक बार में पूरी आइटम्स यहां पर नहीं रखी जा सकती। डेट्स, खजूर देख सकते हैं, मुरब्बा देख सकते हैं, यहां पर खीर है। खीर भी कई तरह की है क्योंकि जो शुगर के पेशेंट है या फिर जिनको कम मीठे वाली है उनके लिए अलग से यहां पर मिल जाएगी। और यह मिठाइयों की कतार देख लीजिए, कितनी ज्यादा यहां पर मिठाइयां हैं। ये सभी भोग हैं, प्रसाद हैं। सबसे पहले भगवान शंकर जी को लगाया जाता है और उसके बाद यही प्रसाद श्रद्धालुओं में बांट दिया जाता है। और बताया जाता है कि इस लंगर में 150 से भी ज्यादा तरह के पकवान श्रद्धालुओं में बांटे जाते हैं। फिलहाल ये आप देख लीजिए मिठाइयां बांटी जा रही हैं श्रद्धालुओं को। आप कितना भी खा सकते हैं यहां पर आकर। यहां पर रहने की भी व्यवस्था है और यहां पर आप देख लीजिए कि आपको छोले भी मिल जाएंगे, चने भी मिल जाएंगे, आपको हेल्दी में भी कुछ ना कुछ यहां पर जरूर मिल जाएगा। ऐसी आपको कोई भी चीज नहीं मिलेगी जो खाकर आपकी सेहत बिगड़ जाए। यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको डोसा भी मिल जाएगा, इडली और सांभर भी आपको यहां पर मिल जाएगा। डोसा तैयार किया जा रहा है क्योंकि जो लोग साउथ इंडिया से आते हैं, मिड इंडिया से आते हैं, मध्य भारत से आते हैं उनके लिए भी खाने पीने की चीज है। नॉर्थ वालों के लिए भी है, साउथ और ईस्ट वालों के लिए भी है। ये आप देख सकते हैं कई तरह की यहां पर आपको चाप मिल जाएगी। ये सारा जो अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड की गाइडलाइंस है उनको देख कर ही ये सारा भोजन तैयार किया जाता है। उसके बाद आपको यहां पर सूप्स भी कई तरह के मिल जाएंगे। टोमेटो सूप मिल जाएगा, वेजिटेबल सूप भी आपको मिल जाएगा। और आप देखिए ये जो आपको खाली जगह दिख रही है इनको रिफिल करने के लिए बर्तनों को लेकर जाया गया है। यहां पर अगर आपको वेजिटेबल्स चाहिए तो आप वेजिटेबल्स ले सकते हैं। अगर आपको खाना खाना है तो खाना भी मिल जाएगा, चावल चाहिए चावल भी मिल जाएंगे। ये आप देखिए ये दाल है और दाल भी ऐसी कि जैसे कि पनीर की सब्जी हो, एकदम बढ़िया। यहां पर आपको चपाती भी कई तरह की मिल जाएगी, चाहे आपको लच्छा पराठा चाहिए, सिंपल चपाती चाहिए वो मिल जाएगी, मिक्स वेज मिल जाएगी, दाल मिल जाएगी, कड़ी मिल जाएगी, राजमा मिल जाएंगे। आपको जो भी सब्जी चाहिए आपको सब कुछ इस लंगर में मिल जाएगा। आप जितनी जरूरत है उतना डलवाइए और खाइए। चावल मिल जाएंगे और हाँ, चावल भी आपको इस लंगर में एक दो तरह की नहीं बल्कि 4-5 तरह के तो आपको सिर्फ चावल मिलेंगे। और फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट भी यहां पर कम से कम 10 से लेकर 12 तरह का आपको फ्रेश फ्रूट मिलेगा, वो भी इंपोर्टेड, जो कि विदेशों से भी मंगाया जाता है। पूरे भारतवर्ष से भी आपको चाय मिल जाएगी, बिस्किट मिल जाएंगे। इसके अलावा दूसरी साइड पर भी कई सारी ऐसी ही कार्ट्स लगी हुई हैं। वो फिलहाल क्योंकि शाम का समय है, श्रद्धालुओं को आगे की तरफ बढ़ना है, इसलिए वो बंद हो रही हैं अभी धीरे धीरे। नहीं तो वैसे आपको बताऊं कि यहां पर आप ये भीड़ देखिए, इतनी ज्यादा यहां पर भीड़ रहती है। ये अमरनाथ यात्रा रूट का सबसे बड़ा लंगर है, शाही लंगर कहते हैं इसको। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और श्री शिव सेवक दिल्ली लंगर कमेटी वालों की जो कोशिश है श्रद्धालुओं के प्रति वो अच्छी लगी तो आप भी कमेंट में जय शिव शंकर जरूर लिखिए, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। और हम इस वीडियो के माध्यम से श्री राजीव सेठी जी को और उनकी पूरी टीम को बधाइयां देते हैं और कामना करते हैं कि उनकी हमेशा तरक्की होती रहे और जिस तरह से वो सेवा करते हैं वो ऐसे ही शिव भक्तों की सेवा में लगे रहें और भगवान की कृपा भी उन पर हमेशा ऐसे ही बरसती रहे। धन्यवाद।